हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी सरसों की साग। तो सरसों की साग बनाने के लिए सरसों की साग को हमने धो के कट लिया है, बारीक कटा है। तो एक प्याज, बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन की टुकड़ी, अदरक, टमाटर, तो यह हम सरसों की ऑयल में बनाएंगे। तो सरसों की ऑयल डाल दिया है, 5 फोड़न सूखी मिर्ची, 2 सूखी मिर्ची, एक भी हम प्याज लहसुन और अदरक को डाल देंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसे भून लेंगे। अभी हम इसमें टमाटर को डाल देंगे। तो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के बाद एक कमेंट कीजिएगा। नमक हल्दी स्वाद अनुसार डालना है। यह हम सिर्फ सरसों के साग लिए हैं, तो इसके साथ पुदीना, मेथी, पालक अगर आप मिलाएंगे तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। फिर भी अगर आप काली सरसों के साग भी बना रहे हैं तो इसका भी स्वाद बढ़िया होता है दोस्तों। तो अभी हम आधी चम्मच धनिया जीरा पाउडर डाल दिए हैं। अभी कटी हुई सरसों की साग को हमने डाल दिया है। ये रोटी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, और हरे खड़ी सब्जी में फायदा तो होता ही है। तो ये पेट भी साफ हो जाएगा इसे खाने से। फिर हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। सरसों की साग हमारे बनके तैयार है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।